क्या सरकार को इनकी पीड़ा दिखती नहीं? सरकार को सिर्फ अपने वोट लेने के लिए तो झूठी घोषणाएं करते हैं, और जोड़े को जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही। सरकार बिल्कुल अंधी हो रही है, गूंगी हो रही है। सरकार जब वोट मांगती है जब तो बड़े बड़े वादे करती है, जो हम 10 साल से रो रहे हैं वो दर्द नहीं दिख रहा उनको। आज ये हमारी बहन है, हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को साथ में गोद में लेके बैठी, आज इनका कुछ हो जाएगा तो इसका जवाब कौन देगा? सरकार के पास है क्या इसका जवाब? बार बार आपके अधिकारी कहते हैं कि आपकी फाइल मूवमेंट करने वाली है, फाइल में मूवमेंट इस धरती पर तो हो नहीं रही, आपकी फाइल मूवमेंट क्या चंद्रमा पर हो रही है क्या? कि हमारे पास उसकी सूचना नहीं पहुंच रही। जब तक हमारी भर्ती नहीं करेंगे, हम भूख हड़ताल भी करेंगे, अनशन भी करेंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर हम यही रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से भूखे को भोजन चाहिए, उसी तरीके से एक बेरोजगार को रोजगार चाहिए। कि इस दिल्ली से तब तक हम राजस्थान नहीं आएंगे जब तक आप हमें इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी नहीं कर देते। हमें जो आश्वासन मिलते आ रहे हैं उसे हमें नहीं लग रहा कि ये सरकार भी हमारे कुछ ऐसा कर पाएगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, सभी राजस्थान से आए हैं। पोस्टर देखे तो यहाँ पर पोस्टर देखे, पंचायती राज LDC भर्ती 6029 पदों पर नियुक्ति दो, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आपसे एक ही पुकार, आपकी भर्ती आपकी सरकार कब तक सहेगा युवा बेरोजगार? देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती है। कभी रेल में भर्ती का पद रिक्त होती है पर भर्ती नहीं होते हैं, शिक्षा की बात करें, शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वो भी इसमें भी यही हाल है। अब पंचायती राज के लोग यहाँ पर चलकर आए हैं, क्या कहेंगे, क्या मांगे आपकी? मेरा नाम राजकुमार है, मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ। मैं बताना चाहूँगा आपके मीडिया चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए, सरकार के पास बात रखने के लिए मुझे यहाँ इस लायक समझा। मैं 25 अगस्त की बात करना चाहता हूँ। 25 अगस्त 2023 को हम शहीद स्मारक जयपुर पर धरना देकर आए हैं। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री साहब हमारे से आकर मिलेंगे, कोई बात नहीं, वो हमसे नहीं मिलेंगे तो कोई ना कोई हमें उनसे मिलाएगा, लेकिन सरकार के कानों पर बिल्कुल भी जू नहीं रहेंगी। मैं पिछले कुछ सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, ये संघर्ष समिति आप देख रहे हैं, ये ओवर एज होने को जा रहे हैं। 10 साल पहले जो भर्ती निकली थी उस भर्ती को आज तक पूरा नहीं किया गया, ये ओवर एज होने को जा रहे हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि ये ओवर एज हो रहे हैं, इसके साथ साथ में ओवर एज होने के साथ साथ में इनके परिवार भी डूब रहे हैं। आप इनके परिवारों को मत डुबाओ, क्योंकि जिस तरीके से भूखे को भोजन चाहिए उसी तरीके से एक बेरोजगार को रोजगार चाहिए। सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका शायद ऐसा कोई विधायक और मंत्री रहा होगा जिससे हम मिले न हो, जिससे हमने इस भर्ती को पूरा करवाने के लिए निवेदन ने किया हो, और जिससे हमने ये नहीं कहा हो कि हमारी मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करवाए, लेकिन किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने हमें आपसे मुलाकात नहीं करवाई, आपसे मुलाकात नहीं करवाई, तब जाकर हमने कदम उठाया शहीद स्मारक पे धरना देने की, लेकिन फिर भी आपने उस ओर की कोई ध्यान नहीं दिया, मजबूरन हमें कदम उठाना पड़ा, आज हमें दिल्ली जंतर मंतर पर पधारना पड़ा। तो राजस्थान सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा कि इस दिल्ली से तब तक हम राजस्थान नहीं आएंगे जब तक आप हमें इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी नहीं कर देते। आप बार बार हमें आश्वासन देते हो कि आपकी जो है किस तरीके का आपका सिलेक्शन होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी? मैं बताना चाहूंगा कि 2013 में जब ये भर्ती निकली थी तब इसका 19,200 पदों पर निकली थी, ये मेरिट बेस की भर्ती थी, मतलब 12th में एक परसेंटेज जो होते हैं उसके बेस पर भर्ती थी। 30% इसके अंदर एक्सपीरियंस के नंबर रखे गए थे, 1 साल का किसी को एक्सपीरियंस हो तो उसको 10%, 2 साल का एक्सपीरियंस हो उसको 20%। अब तक जो मेरिट वाले हैं, क्या हमारी मार्कशीटें चली गई हैं? हमारी मार्कशीटें आज भी हमारे पास है, हमारे फॉर्म भरे हुए कागज आज भी हमारे पास है, हमने जो 500, 700 रुपए के चालान कटवाए थे वो आज भी हमारे पास पड़े हैं। 2013 के अंदर पता नहीं किससे उधार लेके हमने फॉर्म भरे थे, लेकिन चालान किस बात के कटवाए थे? देखो, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसका चालान होता है कैटेगरी वाइज, तो 500, 700 रुपए के चालान हमने कटवाए थे। 33 जिलों से फॉर्म भरने के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक एक विद्यार्थी ने 30,000 2013 के अंदर सरकार को पहुंचाए थे। तो अगर 1,200 पदों पर भर्ती नहीं करनी थी, अगर जितने पदों पर भर्ती किया उतने पद निकालते आप 2013 के अंदर, अगर 19,200 पदों पर भर्ती आपने घोषणा की थी तो इन 19,200 पदों को पूरा कीजिए। इसके अंदर जो 6,029 पद पूरे अभी खाली पड़े हैं उन पर जल्द से जल्द नियुक्ति दीजिए। मैं मीडिया चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि CM साहब, जब आपने ट्वीट किया था तब आप नींद में थे क्या? 24 जून 2021 को आपने ट्वीट किया था
1 मार्च 2019 को आपने ट्वीट किया था, आपकी जो अधिकारी है आरती डोगरा जी ने भी ये कहा था कि इस भर्ती के जब 10,029 पद खाली पड़े हैं, उन 10,029 पदों को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में 4,000 पदों को पूरा किया जाएगा, द्वितीय चरण में 6,000 पदों को पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन क्या सरकार अभी सो रही है क्या कि हमारे 6,029 पदों के ऊपर भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई? आपका ऐसा कौन सा विधायक, आपका ऐसा कौन सा मंत्री है जिसने हमने आश्वासन न दिया हो? आपने भी हमें 5-7 दिन पहले, आपसे भी हमारा डेलीगेशन मिला है, आपने भी क्या किया? आपने भी सिवाय आश्वासन के हमारे पास कुछ नहीं किया। बार बार आपके अधिकारी कहते हैं कि आपकी फाइल मूवमेंट करने वाली है, फाइल में मूवमेंट इस धरती पर तो हो नहीं रही, आपकी फाइल मूवमेंट क्या चंद्रमा पर हो रही है क्या कि हमारे पास उसकी सूचना नहीं पहुँच रही? आप क्यों इस भर्ती को पूरा नहीं कर पा रहे? ये सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है कि 10 साल तक ये भर्ती है, ये ओवर एज होने को जा रहे हैं। आप 1 मिनट गौर कीजिए, इस बहन की तकलीफ को आप सुनिए। ये कुछ महीनों से इस छोटे बच्चे को लेकर घूम रही है, भूखे पैसे घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्या सरकार को इनकी पीड़ा दिखती नहीं? सरकार को सिर्फ अपने वोट लेने के लिए जो झूठी घोषणाएं करते हैं उन घोषणाओं को पूरा करना है। अभी जो 6,029 पद बाकी पड़े हैं उनके अंदर इनका भी फॉर्म लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ओवर एज होने को जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर बिल्कुल भी जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए हमें कदम उठाना पड़ रहा है, हमें मारना है तो मार दो, जेलों में भरना जेल में भर दो, हमें मारना मार दो, क्योंकि भूखा बिना भोजन के मरता है तो बेरोजगार जो होता है बिना रोजगार के मरेगा। यहाँ पर मारना है मार दो सर, लेकिन हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, आपका सिलेक्शन हो गया है, कब हुआ था सिलेक्शन? सिलेक्शन अभी 6,000 भर्ती उसकी लिस्ट निकलेगी, उसमें हमारा नंबर आ जाएगा। हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा तो लिस्ट नहीं निकाल रहे वो, 6,029 पद खाली है, उनको भर नहीं रहे वो, उन पदों में हमारी नियुक्ति मिल जाएगी हमें। हाँ, वो उनको मिल जाएगी, पॉइंटों से बच्चे होंगे, सबको मिल जाएगी। मैं यही चाहती हूँ, देखो इन सबकी उम्र निकल रही है, ये कहीं कहीं भी नहीं रहेंगे। मेरे को यही कहना है कि इनकी मांगे पूरी हो, यही मेरे को कहना है। अगर मांगे पूरी ना होगी तो हम भूख हड़ताल रखेंगे और हम यही रहेंगे। आप यही रहने के अनिश्चितकालीन धरना, यही मरना यही जीना, हम यही करेंगे अनिश्चितकालीन धरना देने। हाँ, अनिश्चितकालीन, हमारे बच्चे भी चाहिए यहीं पे, हम लोग सब यही रहेंगे बच्चे समेत। क्योंकि ऐसे ही मरना है, ऐसे ही मरना है, क्योंकि रोजी तो है ही नहीं, रोजी कहाँ है, यही नहीं संसार के अंदर। तो इसीलिए प्रधानमंत्री महिलाओं को बोल रहे कि अचार बेचिए, युवाओं को बोल रहे चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए, सब रोजगार। हमने देखा ही नहीं, पढ़े लिखे हमें तो रोजगार चाहिए ना, पढ़े लोगों को तो रोजगार ही चाहिए होता है ना, और हमारा जब नंबर आया हुआ है तो हम लोग कैसे ना चाय बेचेंगे पकौड़े बेचेंगे, हम लोग तो नौकरी करेंगे ना। कहते हैं नौकरी मांगिए मत, नौकरी देने वाला बने। नहीं मांगेंगे तो क्यों नहीं, हमारा नंबर आया तो हमें तो चाहिए ना उनसे, सरकार ने रोक रखी ना ये भर्ती तो इसीलिए। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आप लोग, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारे 6,029 पद पूरे नहीं किए जाते, जब तक हम बिल्कुल नहीं उठेंगे। ये गोदी में है आज, ये ऐसे ही सोती रहेगी, 3 दिन तो हो चुके, 30 दिन भी निकाल देंगे हम। यहाँ पर पहलवानों का धरना हुआ था, इंसाफ नहीं मिला, उठा के भेज दिया गया। पूर्व सैनिकों का धरना चल रहा है, 200 दिन होने जा रहे हैं, वो रोज आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है, आज तक कुछ नहीं हुआ, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी भर्ती नहीं करेंगे, हम भूख हड़ताल भी करेंगे, अनशन भी करेंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर हम यहीं रहेंगे बस। गोद में बच्चा लेके, वो भी अपने बच्चे को लेकर आई हैं, आप भी बच्चे को लेकर आई हैं, आपके साथ साथ इन बच्चों पर भी असर होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, सरकार बिल्कुल अंधी हो रही है, गूंगी हो रही है। सरकार जब वोट मांगती है, जब तो बड़े बड़े वादे करती है, जब हमारा काम होता है, जब उनके कान भी बंद हो जाते हैं, मुँह भी बंद हो जाता है, जब तो उनको हमारे पैरों में लग गई, हमारे हाथ में लग गई, व्हील चेयर लेके बैठ जाते हैं जरा से बहाने में, और जो हम 10 साल से रो रहे हैं वो दर्द नहीं दिख रहा उनको। सभी के जो है आप देखें तो तमाम लोगों के जो है, ये युवा से आगे बढ़ चुके हैं, एज निकलता जा रहा है, क्या करते हैं, कैसे घर चलाते हैं अपना? 2013 की भर्ती से अब तक तो आश्वासन में चलते हैं, कैसे ना कैसे करके हम अपना गुजारा चला रहे थे, इसी आस पे चला रहे थे कि हमारी 2000 भर्ती पूरी होगी, लेकिन अब जो हमें जो आश्वासन मिलते आ रहे हैं उससे हमें नहीं लग रहा कि ये सरकार भी हमारे कुछ ऐसा कर पाएगी। ये सरकार आगे से आगे वोट के लिए न जाने क्या क्या गरीबों के लिए फैसिलिटी उपलब्ध करा रही है, मोबाइल, खाना वगैरह जो खास सामग्री होती है करवा रही, ये हमारी 2013 की भर्ती नहीं देख रही। आज ये हमारी बहन है, हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को साथ में गोद में लेके बैठी, आज इनका कुछ हो जाएगा तो इसका जवाब कौन देगा? सरकार के पास है क्या इसका जवाब? आने वाले समय में जो है चुनाव है,
और ना तो केंद्र सरकार आपकी सुन रही है जो बीजेपी की है, राजस्थान में कांग्रेस है वो भी नहीं सुन रही है, क्या करेंगे आप? हम कांग्रेस सरकार से यही निवेदन है, इतने टाइम से हम कांग्रेस सरकार का सपोर्ट करते आए हुए हैं, आगे भी हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार ही हमारे राजस्थान में आए, लेकिन हमें यार छोटी सी गुजारिश है सरकार से कि ये जो 10 साल से जो ये आपकी ये आपके द्वारा निकाली गई भर्ती पेंडिंग चल रही है उसे आप कंप्लीट कर दीजिए। ये जितने भी बेरोजगार बंदे हैं ये आपके चरण पत्र रहेंगे, आपके चरण खोल खोल के पियेंगे, एक छोटे बच्चा भी आपका नाम का धवाला लेके खाएंगी, बस आप तो आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे इन्होंने बताया, अपनी बातें बताई। इनकी 2013 की इनकी जो भर्ती आई है वो अब तक उस आश्वासन में जी रहे थे कि इनकी भर्ती होगी, इन्हें काम मिल जाएगा, इन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब तक वो उसी उम्मीद में जी रहे हैं। और जो है ये काफ़ी उम्र के हो गए हैं, इनकी उम्र निकलती जा रही है और महिलाएं जो हैं शादी हो चुके हैं, बच्चे लेकर जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आई हैं और अनिश्चित काल लेन धरना पर ये लोग बैठे हैं। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये तब तक यहीं बैठे रहेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।